नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। लोकसभा के रण में न्यूज वन इंडिया की टीम पहुंची है नवाबों के शहर में, वो शहर जिसकी पहचान चाकू से है, वो शहर जिसकी पहचान आजम खान से है, वो शहर जिसकी फिजाओं में सियासी रुख क्या है, उसको जानने के लिए हम पहुंचे हैं रामपुर में। रामपुर का मूड क्या है और रामपुर के मुद्दे क्या हैं, इस पे बात करेंगे। लोग होंगे रामपुर के और उनसे जानेंगे कि आखिर रामपुर का मूड क्या है। रामपुर मतलब आजम खान, आजम खान के उस गढ़ में पहुंचे हैं और यहाँ पे सियासी फिजा में रुख क्या है, रामपुर का माहौल क्या है, इस पे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर रामपुर के क्या मुद्दे हैं और उन मुद्दों पे जनता क्या सोचती है। और बात करेंगे लोगों से कि उनके मुद्दे क्या है। रामपुर के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो रामपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या मुद्दा इस चुनाव में हावी रहने वाला है, क्योंकि रामपुर मतलब आजम खान, आजम खान बनाम बीजेपी, सियासी लोग हैं, सियासत की बात करते हैं, लेकिन मुद्दों की जब बात करें तो मुद्दा क्या? मुद्दा सर विकास का होना चाहिए, सिर्फ और ओनली और कुछ नहीं। और रामपुर के अंदर आजम खान जो है ना ब्रांड है, और थे और हैं और रहेंगे, लेकिन अभी तो जेल में है। तो कोई बात नहीं, अभी ब्रांड है जेल, वहीं से काम चलेगा, वहीं से भी काम चलेगा। मतलब आजम खान, आजम खान अब भी लहर उनकी, अब भी लहर है अगर ईमानदारी से इलेक्शन हुआ तो। एक तंज है क्या, ईमानदार तंज है सर, बताएं तंज है। और अगर आपके मीडिया बंधु से मैं कहना चाहता हूँ, मेरा चेहरा आ गया है, बोलना नहीं चाहता था मैं, और अगर मैं जेल में गया कुछ, क्योंकि बीजेपी जेल क्यों जाओगे, सच बोल रहे साहब, मेरी बात सुने, बीजेपी का फंडा क्या है, दिल्ली के अंदर जो है, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने क्या करा दिल्ली के अंदर, सारे स्कूल ब्रांडेड बना दिए और आज जेल में है। जो विकास करेगा ना किसी का तो वो जेल में ठूसा जाएगा, वो जो सच बोलेगा वो जेल में ठूसा जाएगा। क्या मुद्दा राम, रामपुर का मुद्दा शिक्षा ही है। आजम खान को जेल में डाला गया, बेगुनाहों में उनको सजा दी गई। आजम खान, अभी आप पूछ रहे थे आजम खान आज जेल में है, आजम खान ने 65,000 वोटों से जेल में रह के ही पिछला चुनाव जीता था विधानसभा का, जो 65,000 वोटों से जीता था, और आजम खान उसमें जेल में थे। तो ये कोई मुद्दा नहीं है कि आजम खान जेल में, रामपुर की जनता सब जानती है कि हमारे नेता पे कितना अत्याचार हुआ है, और अत्याचार हुआ, गलत नहीं किया, गलत नहीं किया उन्होंने, क्या गलत। रामपुर की जनता क्या आप भी आजम खान के साथ? हाँ, पूरा शहर ही उनके साथ है, पूरा शहर उनके साथ, उनके साथ। क्या मुद्दे की अगर बात करें, रामपुर में बदलाव हुआ है, विकास हुआ है? रामपुर से वो सब चीज़ें उड़ चुकी हैं साहब, रोजगार खत्म हो गया है। समय पहले गरीब आदमी, मजदूर आदमी का जो अपनी जिंदगी जीता था वो जिंदगी नहीं जी पा रही है, समझे नहीं, उसके ऊपर हर जगह जो है पाबंदी लगी हुई है। वोट डालने आता है, वहाँ पे वोट सुकून से नहीं पड़ पाता, सुकून से नहीं पड़ पाता। इससे पहले इलेक्शन जो हुआ उसमें भी ये है कि कभी आईडी खराब है तो कभी कुछ खराब है, मतलब ये कि क्या मुद्दा रामपुर का? रामपुर का मुद्दा क्या, रामपुर में अभी कुछ हुआ ही नहीं है, हम तो बस आजम खान को जो है वोट डालेंगे। कुछ हुआ नहीं तब भी आजम खान? हाँ आजम खान, क्योंकि आजम खान की अभी सरकार ही नहीं। अभी तो दिल्ली से एक उतार दिया मौलाना वो नदवी साहब, उनका क्या रुख है? उनका तो फिलहाल हमें नहीं मालूम है, आजम खान तो अब चुनाव में है नहीं तो वोट कैसे? चुनाव नहीं है तो पहले भी जेल में थे, वो पहले भी जीते थे, अभी तो उम्मीदवार भी नहीं है ना, वो अब तो लड़ ही नहीं सकते। अगर वो नहीं लड़े को किसी को खड़ा करे, लेकिन आजम खान को हम जो है दिल से चाहते हैं, अभी आजम खान है, आजम खान है, आजम खान को डालेंगे। और क्या कहते हैं, हमारी जो समाजवादी सरकार है, हम समाजवादी को भी वोट डालेंगे। तो देखिए, अगर मुद्दों की बात करें तो सबकी अलग अलग राय है, लेकिन आजम खान को लेकर आज भी रामपुर में उतना ही रुतबा दिखता है। इन लोगों की प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं उनको हम सुनेंगे। इस तरफ आ जाइए, रामपुर का मूड क्या है? रामपुर का मूड बहुत बढ़िया है, विकास के मुद्दे हैं, विकास पे वोट करेंगे, बिल्कुल वोट करेंगे। कौन, किसकी हवा? आजम खान की हवा है। आजम खान तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है, जो उनका आदमी है समाजवादी का वो चुनाव लड़ेगा, उसको जिताएंगे, उसको जिताएंगे आजम खान। बिल्कुल, रामपुर मतलब आजम खान, बिल्कुल रामपुर मतलब आजम खान, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रामपुर मतलब यहाँ का सांसद और विधायक जो मौजूदा है, जिसने अभी अभी यहाँ पर हमारे जो विधायक जी हैं उन्होंने यहाँ पर एक गलियारे बनवाए, किले में आप जब जाके देखेंगे तो वहाँ पर तमाम स्टॉल लगे हुए हैं, तो जहाँ लोग बेरोजगार थे वो स्टॉलों से जुड़े, आज वहाँ किले में खुशहाल हैं। आजम खान कभी हुआ करते थे, आज जेल में हैं, और जेल जाने की वजह भी उनकी अखिलेश ही है। अखिलेश ने उनका कहना ना मानकर, क्या अखिलेश जी उन्होंने अपना कहा था, क्योंकि हमारे ये सब युवा हैं, इन्होंने नहीं सुना या लेटर नहीं पढ़ा होगा
कि या तो आप लड़िए या यहाँ से हम वॉक ओवर करेंगे, लेकिन उन्होंने अखिलेश जी का बात नहीं मानी। और थोड़ा पीछे चलते हैं, लोग बहुत सारे हैं, उनसे भी बात करते हैं, समझते हैं। आइए आइए आइए, इधर ये बताइए कि जो रामपुर के मुद्दे हैं, रामपुर में मतलब आजम खान का जिक्र बहुत होता है और रामपुर मतलब आजम खान भी कहा जाता है, क्या अब भी आजम खान का वजूद इतना है? अब तो वो जेल में है, परिवार पूरा, बेटा उनका, पत्नी। आजम खान जीतेंगे इंशाल्लाह, आजम खान के नाम पे वोट पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए आजम खान के नाम से वोट पड़ेगा। क्या मुद्दा है क्या किस मुद्दे पे यहाँ पे चुनाव होने जा रहा है, माहौल क्या है, सियासी फिजाओं में क्या कुछ है? सियासी फिजाओं में ये है कि गरीबों को दबाया जा रहा है। आजम खान जो थे ना, मतलब एक हमदर्द थे उनके, ये समझ रहे क्या कहते हैं, उनका कोई वजूद नहीं रहा, आज भी उनका वजूद रहेगा और कल तलक भी उनका वजूद रहेगा। मतलब अब गरीबों को दबाई जा रही है? अभी गरीबों को तो दबाई जा रही है। क्या ऐसा है कि यहाँ पे जो पहले से चला आ रहा है कुछ क्या बदलाव हुआ है? सब बदलाव ये समय पहले तो यहाँ के कारोबार में बदलाव हो गया, कारोबार ही खत्म हो गया, महंगाई सिर के ऊपर चले गए, सिलेंडर 400 रुपए का तो आज मतलब 1000 रुपए को 900 रुपए को लेना पड़ लिया, लाइट का यूनिट कितना 3 रुपए था आज का 7 रुपए पहुंच गया। महंगाई एक मुद्दा है, आप कह रहे हैं मुद्दा, गरीब आदमी कहाँ से वो करेगा? रामपुर में चूंकि आप युवा हैं, क्या क्या समस्या यहाँ पे आपको नजर आती है, क्या चुनौती आपको नजर आती है और क्या लगता है कि किस मुद्दे पे वोट होगा आप? समस्या क्या है? समस्या जब से आजम खान की सरकार, आजम खान के जो गई है कुर्सी, जब से समस्या है। अगर आजम खान आएंगे, आजम खान को फिर हम वोट डालेंगे अगर वो खड़े होंगे तो। अच्छा, मतलब अब भी आप कह रहे हैं कि हम अखिलेश के साथ हैं, उनकी पार्टी के साथ? अखिलेश के साथ है। आजम खान रामपुर में? अरे भाई भाई, सिर्फ रामपुर का नवाब का नाम ले गया है, बाकी यहाँ पे रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुका है, यहाँ रोजगार बिल्कुल नहीं है। बाकी ये है कि हिंदू मुसलमान जो है यहाँ पे सब एक हैं, भाई भाई ये सब साथ रहते हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। बस सिर्फ यही बात है कि यहाँ की जनता या हिंदू है या मुसलमान हो, ये सिर्फ आजम खान को ही वोट डालती है और आजम खान को ही जिताएगी, अखिलेश के साथ थी और अखिलेश के साथ रहेगी। रामपुर में क्या फिजा है, क्या मुद्दे हैं जिस पे चुनाव हो? 80-20 का मुद्दा है। यहाँ पर 18,000 कच्चे घरों को पक्का बनाया गया है 2.5 लाख रुपए देके, जिसमें 16,000 मुसलमानों को दिए गए। यहाँ पर जितने भी आयुष्मान कार्ड हैं, जिससे सेहत हमारी संवरती है, हमारे पास पैसे नहीं होते गरीब, आज आयुष्मान कार्ड से लोग देख रहे हैं, लोग अपनी सेहत को संभाल रहे हैं, घर घर राशन फ्री मिल रहा है 5 साल से। आप मेरा बनवा के देंगे? एक मिनट, मैं बताता हूँ। आप फॉर्म भरिए, आपका फॉर्म भरा जाए। आपसे 3 बार का राशन कार्ड नहीं बना? राशन कार्ड नहीं, मेरी बहन को दिखता नहीं है, पैदाशी ऐसी है, और आज भी अपनी मेहनत से आपके सामने काम करता हूँ, किसी के आगे भीख नहीं मांगता, अपनी मेहनत से खिलाता हूँ, और देने वाला वो है। नहीं 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 नहीं, वो भावनाओं में बह गए। हल्ला। ओहो हो, अरे राजनीतिक रैली नहीं है भैया, मुद्दे की बात करेंगे, जिसको बोलना है वो आगे आ जाए। अगर मुसलमान है और ईमानदार है तो जब लिया है तो वोट भी देगा उसी सरकार को जिसने दिया है। ठीक है, देखिए मुद्दे कई हैं यहाँ पे, और जब हम बात करते हैं मुद्दों की, आप आगे आए, आप युवा भी हैं और यहाँ पे रामपुर की फिजा को जानते भी होंगे, एक युवा होने के नाते क्या मुद्दा सामने नजर आता है जिस पे चुनाव करना है, या फिर आपका भी वही चश्मा है कि नहीं, या तो धर्म के नाम पे या मजहब के नाम पे या पार्टी के नाम पे सिर्फ वोट देना? मुद्दा रोजगार का है साहब, रोजगार का जी। जो रोजगार का मुद्दा है उसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। आप रोजगार देंगे सब कुछ सही है, अब रोजगार ही नहीं है तो आप राजनीति में इधर चले जाएं, हिंदू मुस्लिम कर लें, आप मस्जिद मंदिर कर लें, इसके अलावा और कोई मुद्दा ही नहीं। आप रोजगार दें, सब अपने अपने कामों पे होंगे, कोई मुद्दा ही नहीं होगा फिर। ये बड़ी सटीक बात है कि अगर खाली है तो फिर खाली दिमाग शैतान का होता है, काम है तो फिर मस्जिद मंदिर कर लें, खाली इंसान कुछ भी कर सकता है, खाली दिमाग शैतान का घर। आप इसके अलावा रोजगार करें, अपने कामों पर जाएं, आपका किसी तरफ जहन ही नहीं जाएगा। तो अभी रामपुर में आपको लगता है जो सरकारें रही हैं, सांसद रहे हैं, उन्होंने इस दिशा में काम किया है? क्योंकि देखिए अभी सेंटर और स्टेट की बात करें तो वहाँ दूसरी सरकारें हैं, अगर यहाँ के सांसद की बात करें तो वो दूसरे रहे, हालांकि फिर उपचुनाव हुआ, फिर बदल गए, रामपुर को आजम खान का गढ़ भी कहा जाता है, लेकिन अब क्या, आगे क्या? आगे के साहब देखें, जो अभी हमारे मौलाना साहब खड़े हुए हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे और फुल सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, और अच्छे महत्व से उनको जितवाएंगे। बिल्कुल। क्या मुद्दा रामपुर का? रामपुर का मुद्दा बहुत गलत चल रहा है। गलत क्या? गलत ये चल रहा है कि रामपुर की जनता परेशान हो गई, कोई रोजगार नहीं है इस वक्त, सब परेशान है। परेशान है जी। अगर दो पैसे कमाने लोग निकल रहे हैं तो वो भी कमाने नहीं दे रहा है। कौन कमाने नहीं दे रहा? कोई नहीं कमाने दे रहा है इस वक्त।
क्योंकि कुछ है ही नहीं आगे काम रामपुर के अंदर, कोई कारोबार नहीं है, ना कोई फैक्ट्री है। फैक्ट्रियां आई तो रुद्रपुर पहुंचा दी गई, रुद्रपुर से सब कारोबार चल रहा है, रामपुर के अंदर कोई फैक्ट्री नहीं है। रामपुर में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है क्या? फैक्ट्री सबसे बड़ा मुद्दा रोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, इसके अलावा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हमें तो सबसे बड़ा मैनेजर रोजगार चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। क्या ये मुद्दा, चूंकि रोजगार की जब बात होती है, शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है तो एक अलग विषय होता है, लेकिन जब मजहब जाति और धर्म देख के वोट दिया जाए तो फिर एक अलग विषय हो जाता है। चाचा हमारे साथ है, रामपुरी चाचा हमारे साथ है, चाचा से बात कर रहे। चाचा क्या मुद्दा यहाँ का, रामपुर में क्या होने वाला? क्या होने वाला, कुछ भी तो नहीं हो रहा यहाँ, कुछ भी नहीं हो रहा। काम धंधा कुछ काम धंधा तो चल ही रहे, जो भी चल रहा है रमजान की वजह से, और इसके वजह क्या है, बाकी तो काम धंधे सब पटे हैं इस वक्त। तो बढ़िया चल रहा है सब? बढ़िया कहाँ चल रहा है इस वक्त, हाँ तो बताइए ना, क्या बढ़िया नहीं चल रहा बताइए, वही तो सुनने आए हम। हाँ तो परेशानी है क्या? दिल्ली वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, फेरी वाले हैं, यही लोग हैं यहाँ पे, और कौन है? काम धंधे क्या चल रहा है, क्या चल रहा रामपुर? हाँ इस तरफ आए, रामपुर में क्या मुद्दा, रामपुर की जनता इस चुनाव को लेकर क्या सोचती है? क्योंकि हमें सुकून नहीं है यहाँ पर, सुकून नहीं है, हम काम ढूंढ रहे, काम नहीं है, हम काम से परेशान हैं, काम धंधा नहीं है, काम धंधा नहीं, रोजगार एक मुद्दा, रोजगार एक मुद्दा है, हमें काम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ तो देखिए साइकिल भी चली है, यहाँ तो फिर कमल भी खिला है, आज से लग जाए हमें तो आजम खान दे दो, हमारा आजम खान दे दे हमें, तो आजम खान हमारा दे दो। रामपुर में रोजगार होता, रामपुर में रोजगार होता, आजम खान ने ट्रेनिंग सेंटर बनाया डोंगरपुर में, उसके अंदर दुनिया भर से लोग आते, उसको ये सरकार चालू नहीं कर रही है। यूनिवर्सिटी बनाई, बच्चों की पढ़ाई करनी है, चल रही है, वहाँ से बच्चे, मतलब बाहर से बच्चे आते, कारोबार होता, वो कुछ खरीदते, कुछ भी करते, बहरहाल ये कारोबार होता। ठीक है, शिक्षा पे मॉल उन्होंने बनाया, और शिक्षा की बात है, आरपीएस स्कूल जिसमें बच्चे पढ़ लेते, और ज्यादातर पुलिस वालों के बच्चे उसमें थे, बहुत ज्यादा संख्या में, जो के पुलिस लाइन सामने है वहाँ बहुत तैदात में पुलिस वालों के बच्चे थे, वो स्कूल बन गया। पिछले 10 साल की अगर बात करें और मौजूदा वक्त की बात करें, क्या बदलाव रामपुर में हुआ है? आजम खान रहे हैं लंबे वक्त तक, अभी सरकार बदली स्टेट में भी और सेंटर में भी, रामपुर में परिवर्तन हुआ क्या? मतलब रामपुर में, अच्छा 10 साल पहले जो विकास, इन 10 सालों में क्या रामपुर में परिवर्तन ना हुआ? रामपुर में ना बढ़ पाएगा, ना रामपुर आगे बढ़ा है, ना बढ़ पाएगा, जिंदगी में परेशानी रहेगा हर इंसान। क्यों? बस यहाँ के आप, इसका मतलब ये है कि आप सही वक्त अगर बाहर नहीं है, मतलब कोई भी कहीं कोई से भी काम करने जाए तो पहले उस काम में डमी कब है, तो कहाँ से क्या करेगा? तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, फिर और क्या, रोजगार से तो नहीं, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का ही है, कुछ नहीं यहाँ पे, कुछ नहीं है, बेकारी है बहुत यहाँ पे। तो इसका मतलब जनता जब 5 साल में अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है, क्या उसने भी ऐसी व्यवस्था नहीं की कि भाई अपनी सरकार को बोले कि बेहतर काम यहाँ पे? कोई नहीं कर रहे साहब, क्या कहें, किस किस से कहें जाके, किस किस से कहें, दर्द बहुत है सीने में, किस किस से कहें, और यही रामपुर का भी दर्द लोगों का जो चेहरे पे वो दिखाई देता है। आगे आइए, बात करनी है तो आप ही के पास हम इसलिए आए हैं। हाँ वही फेल हो गए, मौजूदा सरकार के बनाया था, उनको भी देख लिया, कुछ नहीं कर रहा उन्होंने, सब ज्वाला नगर में काम हो रही है। अच्छा, इधर काम नहीं हो, ज्वाला नगर में कुछ नहीं हो, सारा काम ज्वाला नगर में, पत्थर लग रहे हैं वहाँ पे, फुहारे बन रहे हैं, अरे फुहारे बन रहे हो, पत्थर लगा रहे हैं। विधायक जी ने कहा था, जो इस वक्त रामपुर के विधायक हैं, देख लो आप जाके शीशे की तरह चमक रही है इस टाइम पे। आगे आइए ना चाचा, आगे आइए ना, आगे आइए, पीछे देखो, गली तो बनाई नहीं है ना, 10 साल में कुछ नहीं हुआ ना, सब देख लो जाके, सब गली पड़ी है, खड्डे हुए हैं, बीमार आदमी ज्यादा मर रहे हैं, काम बहुत हुआ है यहाँ पे। जैसे क्या ये तो कह रहे हैं 10 साल में भैया ना नौकरी है ना, बहुत ज्यादा काम हुआ, इतना काम हुआ शायद किसी ने करा होगा। बताएं, देखो हाफिज साहब की गली देखो जाके, खराब है, इतना काम हुआ, भ्रष्टाचार हुई है, घरों में घुसने के बाद में बिजली चोरी की कटौती करी है, पुलिस प्रशासन ने डंडे चलाए हैं, ठीक है, और पब्लिक को परेशान करा है, रात को अगर 10 बजे कोई दुकान खोला हुआ डंडे बरसा दिए हैं, वोट डालने दिए इलेक्शन में, अगले वाले में वोट नहीं डालने दिए, नहीं डालने दिए पिछले इलेक्शन में, आप गए थे डालने? हाँ हम गए थे, हमें भी रोका था, यहाँ पे पुलिस खड़े थे, बोले जाओ दल गया वोट तुम्हारा, यार दंगी चला, वालों ने डंडे मारे, औरतों की पुलिस, लेडीज पुलिस आ रही थी, लेडीज पुलिस। मैं आपसे बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूँ कि अगर ईमानदारी से इलेक्शन हुआ तो आजम खान ने 60,000-65,000 वोटों से जेल में हराया था। मुद्दे बहुत है रामपुर में, दर्द भी बहुत है और लोगों की राय भी अलग बहुत है, लोग कह रहे हैं कि भैया अगर सही से चुनाव हो जाए तो फिर यहाँ का कुछ और होगा। रामपुर के मुद्दे की बात करें, समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन कुछ बदलाव भी हुआ, कुछ काम भी हुआ? बदलाव नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बदलाव हुआ, क्या हो रहा, गलियां वो ऐसी पड़ी हुई हैं, सब ऐसे ही पड़ी हैं, काम नहीं हुआ, पानी भरा हुआ है, अभी भी सुबह आना दिखाना, तुम दिखाएंगे, हम चपटे कॉलोनी बिलासपुर गेट पर, कुछ नहीं हुआ, खाली जीत के बस छोड़ दिया।
जीत के छोड़ दिया। रामपुर का मुद्दा क्या है, रामपुर की सियासी हवाओं में क्या है, रामपुर में क्या होने जा रहा है? रामपुर में यही होना चाहिए कि जोन सी भी सरकार आए तो काम करके दिखाए, तब तो जाकर हम वोट देंगे। ये तो मैं इसको किसी को वोट नहीं देंगे, हम वोट जब ही देंगे जब हमारे रामपुर में काम होगा। अजीतपुर में हो रही है बहुत अच्छा चमका दिया, यहाँ पे आप आके देखोगे ना रामपुर में तो वैसी दिख रही है जैसे आजम खान ने बनाते वैसी है, और उसको बिगाड़ दिया थोड़ा सा। आजम खान के बाद आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ? काम नहीं हुआ, पर काम क्या हो रहा है कि वहाँ पे पहाड़ी गेट पे चले जाओ खाली वो बन रहा है, कुछ और नहीं बन रहा उसके अलावा। बाकी अजीतपुर में सारे काम हो रहे हैं, बत्ती लगा दी गई, लाइटें, सड़कें अच्छी कर दी गई। अभी रामपुर का मूड क्या है? देखिए रामपुर का मूड आजम खान से नहीं है, आजम खान ने अपने सिर्फ आस पास के 100 लोगों को ऊपर बना के घोटाले करवा के रामपुर को मतलब ये विकास करके दिखा दिया, लेकिन उन कामों में घोटाला कितना हुआ है, जो सरकार की जो पैसा है, जो सरकार की जो मशीनरी का गलत यूज हुआ है उसका कौन कहेगा? किसी आदमी पे एक मुकदमा गलत हो जाएगा, दो गलत हो जाएंगे, किसी पे 100 मुकदमे गलत कैसे हो सकते हैं, आप मुझे ये बताइए। रामपुर को बर्बाद करने का काम युवाओं के, आप आलियागंज जाकर देखिए, युवाओं की जिन लोगों ने अपनी जमीनें नहीं दी उनके अंगूठे तोड़ दिए गए, ये कहाँ का लोकतंत्र है? लोकतंत्र की हत्या करने का काम कराया आजम खान ने। ठीक है ठीक है, एक बार पीछे होइए, थोड़ा पीछे होइए, एक बार तस्वीर दिखाइए चारों तरफ की, ये लोग देखिए, ये दूर दूर से आए हैं रामपुर के इस चौराहे पे बिलाल मस्जिद के सामने हम खड़े हैं, और यहाँ पे चूंकि लोग अपनी अपनी समस्याओं को आगे रख रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पे आजम खान ने क्या किया, मौजूदा सांसद क्या कर रहे हैं, पहले की सरकारों ने क्या किया, क्या रामपुर में यहाँ पर आगे आ जाइए थोड़ा, रामपुर में बदलाव हुआ? रामपुर में बदलाव कुछ नहीं हुआ है, और जो हमारे योगी आदित्यनाथ आदित्य जी ने करा है वो बहुत अच्छा करा है। जो 5 साल तक उन्होंने फ्री राशन दिया है, हमें फ्री राशन भी दिया है, फ्री राशन भी दिया है, और 5 साल तक उन्होंने क्या कहते हैं अपना क्या वो जो क्या है बीमारी के लिए इलाज का करा है, 5 साल के लिए इलाज करा है, उन्होंने बहुत अच्छा करा है, राशन के लिए बहुत अच्छा करा है। ठीक, आगे आइए। देखिए वो कह रहे हैं कि काम तो भैया ये तो कह रहे हैं आजम खान ने तो देखिए बर्बाद किया, 100 से ज्यादा अगर मुकदमे हैं तो वो फिर यूं ही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ी है, बताइए आजम खान ने क्या किया, वो भी पूछ रहे हैं। मुकदमे किसके ऊपर देंगे? सबके ऊपर मुकदमे हैं। हम बताते हैं विकास कैसे नहीं हुआ, पुल तोड़ने वाले पे विकास नहीं हुआ। रामपुर का जो नवाबी पुल था, जो 5 लाख स्वाई डांडा की विधानसभा की जनता है उसको उनका मुख्यालय से संपर्क टूट गया, ये विकास कराया आजम खान ने, पुल तोड़ के बनवाया नहीं, सरकारी पैसा वापस करवा दिया। आजम खान के लिए जब आप कह रहे हैं कि जेल में से भी भैया वोट करेंगे उन्हीं, पैसा तो जब का पास हुआ हुआ था वो करेंगे, अरे कब हुआ है पास, बन अब गया पैसा, आप पढ़िए ना, बन अब गया, खाली आप बातें करते रहेंगे, बातें करने से कुछ नहीं होता, बोल बच्चन देने से पैसा वापस। आप ये बताइए, कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, हमारे माननीय कमिश्नर साहब ने, माननीय नगर विधायक जी ने, जिला अध्यक्ष हंसराज पप्पू जी ने इतनी मेहनत से हमारा लालपुर का पुल बनवाया, जो 5 लाख जनता का मुख्यालय से संपर्क टूट गया था उसको बनवाया, वो विकास नहीं है क्या? घनश्याम सिंह लोधी और योगी जी और मोदी जी और कोई नहीं है। रामपुर का मूड ये बता रहा है ये युवा कि यहाँ पे मोदी जी योगी जी क्यों, वो भी बता रहा है, लेकिन चूंकि कुछ आजम खान के भी समर्थक है, चूंकि वो लंबे अरसे तक यहाँ पे उन्होंने राजनीति की है, और कुछ अलग अलग पार्टियों के भी, लेकिन आम लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पे सुनने को मिल रही है। रामपुर का कारोबार रामपुर को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखो अपने किसी रंग की कमी है? योगी जी के आने के बाद मैं ये बताऊँ, मुझे जहाँ पर पहले डॉक्टर नहीं बैठते थे आज देखो जाके डॉक्टर, ठीक बच्चे जिसमें आप 1-1 हजार रुपए लेके लवी वाले में एडमिट करते थे आज फ्री में एडमिट हो रहा हूँ, देखो भी तो बताओ काम हो रहा है। आप लाभ लेने की सोच भी तो, जब सोचोगे जब भी तो बढ़ोगे, अब यहीं पर ही बैठे हुए, यहीं पर ही बैठने के बाद में यहाँ पर है, यहीं पर ही मिलेगा भाई, सब कुछ आ रहा है अपने घर पे, राशन आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, फ्री राशन बैठ रही है, देखो भी तो लेने की बात होती है। बताइए भाई, आइए भाई आराम, 2.5 लाख रुपए 5 लाख रुपए का आपको 5 लाख रुपए का आपको इलाज मिल रहा है फ्री, जो गरीब था ये काम घर के बराबर में मुरादाबाद में हुआ, विवेकानंद में 2.5 लाख रुपए का उनके बस की नहीं थी, उनको घर भी मिला और इलाज भी मिला। इसीलिए माइक मैंने आपके आगे किया, आपसे ही बुलवाऊंगा, बताइए आइए आगे आइए, इसीलिए मैंने आगे किया आपके, आप शहर बड़ी शांति से सुन रहे हैं ना उसके चेहरे को देख के। रामपुर में क्या होने जा रहा है, रामपुर का मुद्दा क्या, ये युवा बता रहा है कि योगी मोदी सरकार काम कर रही है, वो भी कह रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं नहीं जो आजम खान ने किया वो कोई नहीं कर रहा, ये भी सरकार काम कर रही है। तो रामपुर का क्या 400 पार है, ये तो आ गए भैया 400 पार वाले, बहुत देर से रामपुर में तो हमने नारा नहीं सुना था, ये ईमान की आवाज कह रहे हैं ये, और अगर हमने कुछ लाभ लिया है और अगर हम उसको नकार रहे हैं तो ये बेईमानी है।
तो ईमानदारी की आवाज है ये इन बच्चों की युवाओं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि लाभ नहीं लिया है, सबने लिया है, हमने सबने लाभ लिया है, मगर ये है जैसा चल रहा है वैसे चलाते रहे। कैसा चल रहा है ये तो बताओ। जैसे तुम्हें राशन मिल रहा है, जैसे तुम्हारे लिए 2.5 लाख रुपए का निकल रहा है, 5 लाख का निकल रहा है, ये सरकार जीतने का मानना खत्म ना हो जाए, ये बात क्यों होगी? नहीं होगा, आरोप लगाया जाता है कि किस बात की है। ये तो चल रहा है, देखो पहले से चल रहा है। अरे ये तो 1 महीना हो गया, 1 महीने से लाइट अब आ रही है, वैसे लाइट नहीं आ रही थी, परेशान कर रही थी लाइट। रमजान से शुरू हो गई, मैं कहता रहा हूँ रमजान से शुरू हो गई, मैं कम मैं नहीं हो रही। नहीं, वो इशारा कर रहे हैं कि रमजान में सच बोलिए, वो ये इशारा कह रहे हैं। और फिर मैं सच बोल रहा हूँ, रमजान से शुरू हो गई लाइट आना। देखिए सर के जो लोग अन्य लोग हैं वो वारंटी हैं, वारंटी मतलब उनके पर कोई ना कोई केस है, लेकिन मोदी जी की गारंटी है अपनी आम जन तक और नीचे से लेकर ऊपर तक योजनाएं पहुंचाने की। ये योजनाएं वोट की शक्ल में तब्दील होंगी, आज इनके जज्बात हैं और ठीक है। हर बार मोदी, इस बार मोदी, अगली बार मोदी। ये रामपुर के देखिए मुस्लिम भाई हैं जो कह रहे हैं कि अब भी मोदी, हर बार मोदी, चूंकि मौजूदा सरकार को बीजेपी को लेकर ये कहा जाता है कि वो मुस्लिम विरोधी है, सियासी पार्टियां कहती है कि मुसलमान की हितैषी नहीं है, लेकिन जब सड़क बनेगी तो वो सबके लिए है, जब योजना होगी तो वो सबके लिए है। रामपुर की जनता, इन मुसलमान भाइयों को सुनिए, ये कह रहे हैं कि मोदी योगी ने जो किया वो अब तक कोई नहीं कर पाया। हाँ, आरोप लगाते हैं कि मोदी जी विकास अब्दुलों का नहीं कर रहे, जिस प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ 30,000 मुसलमानों अब्दुल के घर बने, उसमें किसी हिंदुओं के इतने नहीं बने जितने मुसलमानों के बने। ये कैसे कह सकते हैं रामपुर के लोग? हम नमक हराम नहीं है, हमने जिसका नमक खाया उसका नमक अदा करना जानते हैं। हम लोग वोट की शक्ल में इसको वापस करेंगे। ठीक है, तो ये आपने रामपुर की जनता का मुंह देखा और सुना। और जब हम अब थोड़ा सा पीछे को जब आप जाएंगे, तस्वीरें को दिखाएंगे, तो देखिए चारों तरफ लोग हैं, हर बंदा बात करना चाहता है, हर व्यक्ति बात करना चाहता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि रामपुर, जिसे आजम खान का गढ़ कहा जाता है, आजम खान के गढ़ में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने काम किया है। बहुत सारे यहाँ पे भाइयों को आपने सुना जिन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं अच्छी हैं, उनका लाभ मिल रहा है, और वो हिंदू मुस्लिम देख के लाभ नहीं मिल पा रहा। और ये आजम खान की जनता अपने आप तय करेगी जब चुनाव होगा, किसके साथ जाएगी, किसके खिलाफ जाएगी। लेकिन हम आपको लगातार उत्तर प्रदेश के हर जिले में ले जाके वहां की जनता का मूड क्या है ये बता रहे हैं। लोकसभा के रण में न्यूज़ वन इंडिया की टीम आज रामपुर पहुंची, और रामपुर की जनता का मिजाज क्या है, रामपुर के मुद्दों का, रामपुर की जनता के मुद्दे क्या है, वो आप तक पहुंचाया। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, रामपुर से वीडियो जर्नलिस्ट राज चौहान के साथ मैं राजेश कुमार, न्यूज़ वन इंडिया।